हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स पर। मेरा नाम है देव तिवारी, मैं एक सिनेमेटोग्राफर और एक फोटोग्राफर हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और कैमरे से रिलेटेड जानकारी को। मेरा ये प्रयास है कि मेरे पास जो जानकारी है फिल्म मेकिंग, सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी से रिलेटेड, मैं वो जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और वो लोग जिनके पास साधन नहीं हैं, वो YouTube के ज़रिए इस जानकारी को देखें, समझें और इस काम को अच्छे से सीख पाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें कि हम आगे और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें और आप इस वीडियो को देखकर इस काम को और भी ज़्यादा सीख पाएं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये जानकारी सब लोगों तक पहुँच सकें। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि आप रेगुलर अगर आपने फोटोग्राफी शुरू करी है या फिर इस फील्ड में है तो आपने सुना होगा, क्रॉप बॉडी सेंसर और फुल फ्रेम सेंसर्स। कैमरे में हमारे जो भी तस्वीर या फिर कोई भी इमेजेस कैप्चर की जाती है वो हमारे सेंसर के द्वारा की जाती है। तो कैमरे के सेंसर कई प्रकार के होते हैं, उनमें से दो बहुत ही फेमस हैं, एक क्रॉप बॉडी सेंसर और एक है फुल फ्रेम सेंसर। क्रॉप बॉडी सेंसर वो होता है जिसका साइज़ फुल फ्रेम सेंसर से थोड़ा सा कम होता है। और क्रॉप बॉडी में भी दो प्रकार के क्रॉप बॉडी सेंसर्स आते हैं, एक हमारा माइक्रो फोर थर्ड होता है, एक होता है APS-C। APS-C मीन्स एडवांस फोटो सिस्टम और C मीन्स क्लासिक। तो आइए जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि क्रॉप बॉडी सेंसर और फुल बॉडी सेंसर्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और इससे हमारे काम में कितना फ़र्क पड़ता है। तो पहले हम जानते हैं कि सेंसर्स क्या होते हैं। सेंसर हमारे कैमरे में एक रेक्टेंगल शेप का सेंसर होता है, जो कि कैमरे के सेंटर में होता है। हमारे लेंस के द्वारा जो भी लाइट कैमरे के ऊपर गिरती है वो पहले सेंसर से टकराती है। इस सेंसर के द्वारा ही जो भी पर्टिकुलर इमेज की जो लाइट सेंसर पर आ रही है उसको पूरी तरह से कैप्चर किया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को लिया जाता है और ये सेंसर ही कैमरे में एक तस्वीर क्रिएट करता है। तो हमारे कैमरे का सेंसर जितना बड़ा होगा उस सेंसर पर उतनी ही ज़्यादा लाइट गिरेगी और वो सेंसर का जो रिज़ल्ट होगा आपके फ़ोटो या वीडियो का वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। पहले हम बात कर लेते हैं क्रॉप बॉडी सेंसर्स की। क्रॉप बॉडी सेंसर्स जो होते हैं ये साइज़ में छोटे होते हैं हमारे फुल फ्रेम के मुताबिक। तो हमारे क्रॉप बॉडी सेंसर का साइज़ होता है 24mm x 15mm। 24 mm x 15 mm का हमारा क्रॉप बॉडी सेंसर होता है। इसको हम APS-C बोलते हैं। APS-C मीन्स एडवांस फोटो सिस्टम और C मीन्स क्लासिक। एडवांस फोटो सिस्टम एंड C मीन्स क्लासिक। APS-C सेंसर हमारे फुल फ्रेम सेंसर से छोटे होते हैं, इसलिए इनमें हमें एक क्रॉप फैक्टर देखने को मिलता है। क्रॉप फैक्टर वो होता है कि जब कभी हम अपने क्रॉप बॉडी सेंसर कैमराज में फुल फ्रेम लेंस यूज़ करते हैं तो ये फुल फ्रेम लेंसेस पूरी तरह से यूज़ नहीं हो पाते। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 50mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो इसमें से 1.5x जूम हो जाता है और आपको अपना 50mm का जो लेंस होगा वो 75mm के मुताबिक वर्क करेगा। फोकल लेंथ बढ़ने के साथ ही हमारा एपर्चर भी बदल जाता है। जैसे कि अगर हम 50mm लेंस का 1.4 एपर्चर वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम ये क्रॉप बॉडी में यूज़ करते हैं तो 1.4 का अपर्चर क्रॉप बॉडी में जाने की वजह से 2.4 से लेकर 2.8 के बीच का अपर्चर जैसा वर्क करता है। मीन्स आपको जो बोके और डिटेल्स मिलेंगी वो 2.4 से लेकर 2.8 के अपर्चर जैसी ही मिलेंगी। डिफरेंट कैमरा बॉडीज़ में, जैसे कि डिफरेंट कैमरा बॉडीज़ मैन्युफैक्चर कंपनीज़ की जो कैमराज होते हैं उनमें आपको ये क्रॉप फैक्टर अलग अलग तरह से दिखाई देगा। जैसे अगर आप कैनन का क्रॉप बॉडी सेंसर कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको 1.6x का डिफरेंस मिलेगा। अगर आप निकॉन, सोनी, पेंटेक्स का कैमरा यूज़ करेंगे तो इसमें आपको 1.5x का डिफरेंस मिलेगा। कुछ कैमराज हैं जिसमें आपको 2x तक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, जैसे कि पैनासोनिक और ओलंपस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो मोस्ट कॉमन क्रॉप सेंसर्स हमारे यहाँ प्रचलित हैं, एक तो है APS-C, दूसरा है माइक्रो फोर थर्ड। आइए हम क्रॉप बॉडी सेंसर्स के कुछ एडवांटेजेस भी देख लेते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि क्रॉप बॉडी सेंसर्स फुल फ्रेम सेंसर कैमरास से कम अच्छे होते हैं, बट ये चीज़ पूरी तरह से सही नहीं है।
क्योंकि कई बार लोगों की ज़रूरतें और सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आपका क्रॉप बॉडी सेंसर फुल फ्रेम बॉडी सेंसर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और आपको यहाँ पर क्रॉप बॉडी सेंसर कैमरा ही लेना चाहिए। मैं उन सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप सब्जेक्ट्स के बहुत ज़्यादा पास नहीं जा सकते हैं, जैसे कि हम अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हैं, इवेंट्स गैदरिंग कैप्चर कर रहे हैं, या फिर हम मीडिया या न्यूज़ चैनल्स में काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम ज़्यादा पास न जाकर दूर से ही फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर हमें क्रॉप बॉडी सेंसर्स की ज़रूरत होती है। फ़ायदा इसका ये होता है कि हमारे जो बड़े लेंस होते हैं जिससे कि हम ज़्यादा फोकल लेंथ क्रिएट कर पाते हैं, वो बहुत महंगे आते हैं। उसी के मुताबिक अगर हमने एक क्रॉप बॉडी कैमरा लिया है और अगर हम उसमें छोटे लेंस यूज़ कर रहे हैं, हम जैसे कि हमारे पास बजट लेंस हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र किसी ने अगर 300mm का लेंस लिया हुआ है, तो उसके क्रॉप सेंसर्स का जो क्रॉप फैक्टर आएगा उसकी वजह से वो आपका जो 300mm का लेंस है वो 450mm का लेंस बन जाएगा। तो इससे आप देख रहे हैं कि 150mm का आपको फोकल लेंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये फ़ायदा होता है हमें फोकल लेंथ बढ़ जाने की वजह से। दूसरा, अगर आप मीडिया न्यूज़ में काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे आप बोके इफ़ेक्ट के साथ काम नहीं कर सकते। जैसे कि आप अगर एक फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ शो करना है, पिक्चर्स को पूरा इन्वायरमेंट दिखाना है, आप वहाँ पे सब्जेक्ट को फोकस में लेकर सारी चीज़ें ब्लर नहीं कर सकते, या फिर आपका जो एंकर है आप उसको फोकस में रखकर पीछे की चीज़ को ब्लर नहीं कर सकते, अदरवाइज़ जो इन्वायरमेंट आप दिखाना चाहते हैं अपनी न्यूज़ में वो नहीं दिख पाएगा। तो यहाँ पे आपका जो क्रॉप बॉडी सेंसर कैमरा है वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है मुताबिक की फुल फ्रेम सेंसर कैमरा के। क्रॉप बॉडी सेंसर कैमरा आपको बजट में काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं फुल फ्रेम के बजाय, साथ ही ये काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी छोटे होते हैं। साथ ही जैसा कि आजकल बाज़ार में मिररलेस कैमराज आ गए हैं, तो मिररलेस कैमराज क्रॉप बॉडी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से इन कैमराज को यूज़ करते हैं तो फुल फ्रेम और क्रॉप बॉडी सेंसर दोनों की इमेज क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आपकी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से क्रॉप बॉडी सेंसर कैमरा भी आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। आइए अब हम फुल फ्रेम कैमरास को एक बार देख लेते हैं। तो फुल फ्रेम कैमरास 35mm के फिल्म कैमरास के स्टैंडर्ड पर काम करते हैं और ये सेंसर APS-C से काफ़ी बड़ा होता है। इस कैमरा में सेंसर साइज़ बड़ा होने की वजह से लाइट ज़्यादा कैमरे के सेंसर पर गिरती है और आपको लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। आपको कम ISO ओपन करना पड़ता है जिससे आपके कैमरा में कम नॉइज़ आती है और आपका फ़ोटो या वीडियो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शार्प और बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है। फुल फ्रेम कैमराज में आपको जो भी आप लेंस यूज़ कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप 50mm लेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा 50mm उस फुल फ्रेम कैमरा से यूज़ कर पाएंगे। फुल फ्रेम कैमरा में आपको हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि हाई डायनेमिक रेंज का मतलब होता है कि आप डार्क में भी और वाइड और ब्राइटेस्ट इन दोनों के बीच में आपको एक अच्छा वैल्यू मिलता है, जिससे कि आप दोनों को मिला के एक अच्छा फ़ोटो खींच पाते हैं। कुछ जगहों पे अगर आपका फ़ोटो आपने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर लिया है या फिर क्लिक करते टाइम अंडर एक्सपोज रह गया है, तो पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम अगर आपने रॉ में फ़ोटो क्लिक करी है तो आप उसको बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे और आपका फ़ोटो बहुत ही अच्छा निकल के आ जाता है। तो ये फ़ायदे होते हैं हमारे फुल फ्रेम कैमरास के साथ। फुल फ्रेम कैमरास में एक और बहुत ही अच्छी चीज़ हमें मिलती है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। जैसा कि आप सबको पता है कि फ़ोटो में हम जो बोके इफ़ेक्ट देखते हैं, जैसे कि हमारा जो अपर्चर अगर हम वाइड ओपन कर लेते हैं 1.4 या 1.8, इस पर जब हम फोटो क्लिक करते हैं या वीडियो शूट करते हैं तो हमें बैकग्राउंड ब्लर करना होता है और हमारे सब्जेक्ट को फोकस में रखना होता है। तो हमारे जो ये फुल फ्रेम कैमराज हैं, इसकी क्वालिटी इन बोके इफ़ेक्ट्स को लेकर काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इनका सेंसर साइज़ बड़ा है और ये लेंस के अपर्चर को पूरी तरह से यूज़ कर पाते हैं, जिस वजह से आपको अपने फ़ोटो या वीडियो में बहुत ही अच्छा बोके इफ़ेक्ट या कहें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। आइए अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं हम अपने दोनों सेंसर्स में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा सेंसर बॉडी खरीदना चाहिए। पहले बात करते हैं क्रॉप सेंसर बॉडीज़ की। क्रॉप सेंसर बॉडीज़ में जैसे मैंने बताया कि सेंसर छोटा होता है, इसलिए इनकी लो लाइट परफॉर्मेंस कई जगह पर बहुत ही कम हो जाती है। उसका रीज़न यही है
कि आपके सेंसर पर गिरने वाली लाइट जो कि आपके लेंस के थ्रू आ रही है वो काफ़ी कम हो जाती है फुल फ्रेम के बजाय। इस वजह से सेंसर को कम इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो उसी इन्फॉर्मेशन को लेकर आगे बढ़ाता है। इसलिए जब उस पर लाइट कम आती है तो आपको अपना ISO रेंज ऊपर करना पड़ता है। इस वजह से कई टाइम पर जहाँ पर लो लाइट है और आपके पास एक्सटर्नल लाइट अगर नहीं है तो आप अपना ISO ओपन करते हैं, वाइड ओपन करते हैं, जिस वजह से फ़ोटो या वीडियो में ग्रेन्स या नॉइस की दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप क्रॉप बॉडी सेंसर कैमरास पे वर्क कर रहे हैं तो अपने साथ एक एक्सटर्नल लाइट या फ्लैश हमेशा साथ में रखें, क्योंकि लो लाइट की अगर सिचुएशन आती है तो आप वहाँ पर अपनी एक्सटर्नल लाइट के साथ अपने कैमरा को यूज़ करें और आपका रिजल्ट अच्छा आए। इसमें एक और बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आपने क्रॉप बॉडी सेंसर कैमरा लिए हुए हैं और कई जगह पर जहाँ पर कि आपको जगह कम मिलती है शूट के लिए, वहाँ पर आपको वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास वाइड एंगल लेंस नहीं है तो आपको काम करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। अगर आपने क्रॉप बॉडी सेंसर्स कैमरा लिए हुए हैं तो आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस चाहिए होगा। वाइड लेंस की कई बार दिक्कत ये होती है कि आपको एजेस में डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके फ़ोटो में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आपको क्रॉप बॉडी सेंसर कैमरा में देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ अगर हम फुल फ्रेम कैमरास को देखें तो फुल फ्रेम कैमरास की डिसएडवांटेज कुछ खास तो नहीं, मगर डिसएडवांटेजेस इसमें यह है कि अगर आप बिगनर हैं और आपके पास बजट कम है तो आपको पता है कि फुल फ्रेम कैमरास का बजट बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको अपने पैसे ज़्यादा देने होंगे, अदरवाइज़ आपको क्रॉप बॉडी सेंसर कैमरा खरीदना होगा। तो ये मेरा वीडियो था आज क्रॉप बॉडी सेंसर और फुल फ्रेम कैमरा को लेकर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, कुछ जानकारी हो सकता है मुझसे छूट गई हो। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। मैं ऐसी और भी सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और कैमरे से रिलेटेड जानकारी को लेकर आगे आता रहूँगा और आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को बताता रहूँगा। जो भी कैमरे और फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में नए अपडेट्स होंगे मैं वो भी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे फिल्म मिलते हैं।